अच्छे दाम की उम्मीद में इस साल किसान कॉटन की खूब बुआई कर रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि इसका भाव कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है। इस समय 29 mm कॉटन का भाव बता दें 42,855 रुपए प्रति गांठ है। जल्द ही इसे 40,000 रुपए प्रति गांठ के निचले स्तर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अरिगोई मंडी के रिसर्चरों ने अनुमान लगाया है कि 2022 के आखिरी तक कॉटन का भाव 30,000 रुपए प्रति गांठ के नीचे आ जाएगा। देश में 24 मई को इसका भाव अपने सबसे ऊंचे स्तर 48,285 रुपए प्रति गांठ तक पहुंच गया था, जबकि कॉटन वायदा का भाव 50,330 रुपए प्रति गांठ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। सवाल ये है कि आखिर कॉटन का दाम इतना क्यों गिर रहा है? कॉमोडिटी रिसर्चर का कहना है कि बढ़ती ब्याज दरें, चीन में लॉकडाउन मंदी की आशंका और भारत में हाल ही में हुई अच्छी बारिश के बीच बेहतर बुआई के आंकड़ों के साथ कॉटन की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। डर हमेशा सेंटीमेंट को खराब करता है और मौजूदा समय में कॉटन समेत अधिकांश कमोडिटीज के साथ यही हो रहा है। दरअसल मई 2022 की शुरुआत तक कॉटन में 2.5 साल की तेजी का दौर खत्म हो चुका था। वहीं चालू खरीफ सीजन में किसान कपास की खेती पर काफी जोर दे रहे हैं। देश में कॉटन का रकबा 4 से 6% बढ़कर 125 लाख हेक्टेयर होने का अनुमान है। चूंकि पिछले 2 साल से किसान को कपास में अच्छा पैसा मिला है और सोयाबीन की कीमतों में आई हालिया तेज गिरावट किसानों को कपास की बुआई करने के विकल्प का चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम करेगी। देश के मुख्य कपास उत्पादक राज्य में अच्छी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग की ताजा अपडेट के मुताबिक मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, गुजरात क्षेत्र, सौराष्ट्र, कच्छ और कर्नाटक में 14 जुलाई 2022 तक अच्छी बारिश होगी। ये बारिश कपास की बुआई के लिए अच्छी है। वहीं ऊंचे भाव और सप्लाई की कमी की वजह से कॉटन की मांग में कमी दिखाई दे रही है। सप्लाई की कमी की वजह से मई 2022 की शुरुआत में भारत में कॉटन का भाव 50,330 रुपए प्रति गांठ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। वहीं हालांकि कई अहम कारकों की वजह से भारत में कॉटन की मांग में कमी देखने को मिली है। इसका ये असर हो रहा है कि मौजूदा समय में देश भर में 3500 यूनिटों में से मुश्किल से 6 से 8% जिनिंग और प्रेसिंग का काम कर रही है। बाजारों में जब तक कपास की नई फसल की आवक शुरू नहीं हो जाती तब तक सभी कामकाज ठप रहेंगे। वहीं शुल्क मुक्त आयात से सितंबर के अंत तक 15 से 16 लाख गांठ की राहत मिलने का अनुमान है। भारतीय व्यापारियों और मिलों ने शुल्क हटाने के बाद 5 लाख गांठ कॉटन की खरीदारी की है। वहीं 2021-22 के लिए कुल आयात अब 8 लाख गांठ हो गया है। सितंबर के अंत तक अन्य संभावित 8 लाख गांठ के आयात के साथ 2021-22 के लिए कुल आयात 16 लाख गांठ हो जाएगा। वहीं कॉटन के ज्यादातर आयात अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिम अफ्रीकी देश से है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।